आपको उनके सामने बुटीक की बातें नहीं करनी चाहिए थी। जो बात मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी वो बतानी पड़ी। अब अगर देवांग ने रवि से इसका जिक्र किया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो जिक्र करें या ना करें, मैं जरूर करूंगी। क्या समझते हैं तेरे बहन और बहनोई अपने आप को? रवि के बारे में जो जी में आया बक के चले गए और तू चुपचाप सुनती रही। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है बुआ जी? जब से आई है आप मेरे पीछे पड़ी है। पहले तो बुटीक को लेकर रवि के सामने तरह तरह की बातें की, और अब प्लीज मेरे मायके वालों को तो छोड़ दीजिए आप। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आंसू टपक पड़े? आजकल की लड़कियों की आंखों में तो आंसू हर वक्त तैरते रहते हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहती मेरा यहाँ आना तुझे पसंद नहीं आया? तुझ पर पाबंदी लग गई, तेरी मनमानी बंद हो गई ना? यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। इस औरत को तो मेरा इस घर में रहना गवारा ही नहीं। मैं चली। बुआ, कौन सा मैं यहाँ तेरे पास रहने आई हूँ? रवि मेरा इकलौता भतीजा है। मेरी आंखें जब तरस जाती उसे देखने के लिए तो मैं मिलने आ जाती हूँ। आज मुझे एहसास हुआ ये मेरी भूल है। रवि आए तो उससे कह देना बुआ घर छोड़कर चली गई। ये देखो बेटा, मुझे पता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, इसलिए मैंने कुछ पैसे और कुछ जेवर संभाल के रखे हैं इसे बुरे वक्त के लिए। अब हम यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं, हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और तुम्हें अपने पास्ट के बारे में सब कुछ भूलना होगा। देखिए मम्मा, अगर पापा को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा, उनको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम यहाँ से इतनी दूर चले जाएंगे कि कोई हमें पहचान नहीं पाएगा। राजन की पहुंच से बहुत दूर, और अब हमें अपना डर हमेशा के लिए पीछा छोड़ना होगा, हमेशा के लिए। लेकिन मम्मा, पूजा दीदी, पापा पापा उसे चैन से नीचे नहीं देंगे। नहीं नहीं, पूजा को वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसने कभी पूजा को अपनी बेटी माना ही नहीं है, क्योंकि उसे लगता था कि पूजा इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी तुम हो। और जब हम सेटल हो जाएंगे तो किसी तरह पूजा को भी अपने पास बुलाएंगे। अब चलो चलो, हमारे पास वक्त नहीं। चलो रवि। सुनिए क्या हुआ? I'm sorry, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन हुआ क्या? बुआ जी चली गई। कहाँ चली गई? पता नहीं, वो छुटकी और दिवांग आए थे और उनके जाने के बाद मैंने बस उनसे कहा कि बुटीक की बातें उनके सामने नहीं करनी चाहिए थी, बस इतना ही कहा मैंने और वो चली गई। चलो मेरे साथ। लगता अब तो पुलिस के फोन का इंतजार करना पड़ेगा। बुआ, बुआ। अरे बेटा रवि, आज बड़ी देर कर दी घर आने में। आप यहाँ बैठी हुई हैं और हम पागलों की तरह न जाने कहाँ बाहर आपको ढूंढ के आ रहे हैं। अरे बेटा, यहाँ आके देख लिया होता मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगी, तू ही तो मेरा सहारा है। ये बहू ने परेशान कर दिया होगा तुझे, डर रही होगी कि कहीं मैं तुझे बता ना दूं कि इसने मेरे साथ क्या बर्ताव किया है, क्योंकि तू इसे फिर माफ नहीं करेगा। इसलिए इसने तेरे कुछ कहने से पहले तेरे कान भर दिए। बहन और बहनोई को देख के इतराने लगी थी, शिकायतें कर रही थी उनसे तुम्हारे बारे में। तुम्हारी वजह से बुटीक बंद करके इसे घर में बैठना पड़ा। ऊपर से
फूट फूट कर रोने लगी मुझे जलील करने के लिए। जी, मैं सोनिया को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये कभी किसी को जलील नहीं करती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बुआ जी, आप झूठ बोल रही हैं या सच बोल रही हैं ये मुझे मालूम है, लेकिन सोनिया सच बोल रही है। देवांग छुटकी और सोनिया की बातों के बीच में आपको दखल देने की क्या जरूरत है? और अगर आपको सोनिया ने कह भी दिया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आपको बुरा मानने का क्या हक है? मेरे आने का इंतजार किया होता, मुझसे बात की होती, आप तो घर छोड़कर ही भाग गई, और हम पागलों की तरह अस्पताल, पुलिस स्टेशन, न जाने कहां कहां परेशान होकर आपको ढूंढते फिर रहे हैं। मुझे क्या आंखें दिखा रहा है, इसे बोल। रवि, थैंक यू सो मच। थैंक यू काहे के लिए? थैंक यू, आपने बुआ के सामने जो सोनिया, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, जो सच है वो तो सच है ना। देखो, बुआ की बातों का बुरा मत मानो, जस्ट इग्नोर हर। कुकी, निशा, पूजा, राम 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 राम। बहू, मैं कुछ दिन और यहाँ रहूंगी, अब तो तुम्हारा भी बुटीक जाना बंद हो गया, मेरे साथ सत्संग चलोगी ना? मेरा काम तो बंद करवाया ना आपने, आपको बहुत खुशी मिली होगी, इस घर की मर्यादा को बचाकर भी आपको बहुत खुशी मिली होगी। क्या किया है मैंने, कौन सी चीज का बदला ले रही हैं आप मुझसे, मेरी क्या गलती हो गई है? मैंने कौन सी गलती की थी? मुझे बनारस के विधवा आश्रम में डाल दिया, 19 बरस की थी, शादी के एक साल बाद मर गया, मेरा तो गौना भी नहीं हुआ। समाज ने मेरे माथे के संदूर के साथ मेरी जिंदगी के सारे रंग छीन लिए और डाल दिया मुझ पे ये फीका सफेद रंग। अगर आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं, तो दूसरों की खुशियां क्यों छीनना चाहती हैं आप? क्योंकि मुझे गुस्सा आता है, अफसोस होता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो समाज कल इतना तंग दिल था, जो एक औरत की जिंदगी तबाह कर सकता था, समाज आज औरत को इतनी आजादी कैसे दे सकता है कि औरत मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, वो सब करने की कोशिश करे जो सिर्फ मर्द ही करता आया है। इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हमारे लिए कोई डेडलाइन ही नहीं है ना, एटलीस्ट 1 वीक। आयशा, मैं बाद में फोन करता। तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? सब ठीक तो है? सब ठीक है मम्मा, आई एम अ ग्रोन अप गर्ल, मैं अपनी केयर ले सकती हूँ। तो फिर 4 दिन पहले कैसे आ गई? मम्मा, व्हाट डू यू थिंक, मैं इतनी सेल्फिश हूँ कि अपने कैंपिंग के ट्रिप के चक्कर में मैं अपने डैड का बर्थडे भूल जाऊंगी। ओ, तो आप हमारे बर्थडे के लिए वापस आई हैं? देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू बेटा, जीते रहिए। देखा सोनिया, बेटियां बेटियां ही होती हैं, एक ये है अपना टूर शॉर्टकट करके वापस आ गई है, और एक वो है अभी फोन तक नहीं किया। नहीं, उसका फोन आया था। फोन आया था तो मुझे दिया क्यों? आप सो रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि आपको जगाना ठीक नहीं है, वो फिर से फोन करेगा। चलो ठीक है, मेरे कपड़े निकाल दिए। हाँ, आई बी बैक बेटा, मैं तैयार होके आता हूँ। सुनिए, मैं सोच रही थी आप ऑफिस थोड़े देर से जाएंगे तो चलेगा? नहीं, आज पॉसिबल नहीं होगा सोनिया, मेरा शेड्यूल बहुत ही टाइट। नहीं, मैं सोच रही थी हम मंदिर जाकर आते। फिर किसी, लेकिन डैड कुछ भी हो जाए शाम को आपको जल्दी आना पड़ेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं अपने डैड का बर्थडे फीका नहीं जाने दूंगी। वी हैव टू सेलिब्रेट। व्हाटएवर यू से स्वीटहार्ट, व्हाटएवर यू से। ओह बाय द वे, तुमको पता है कौन आया है? रुचिका एंड देवांग। मासी जी। हां, उनको फोन करना मत भूलना, इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। ओकेशन क्या है इंदु? रवि का बर्थडे है। ओह गॉड, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूं। वेयर इज द बर्थडे बॉय? मैं विश तो कर लूं। वो ऑफिस चले गए हैं, तुम सेल पे फोन कर लेना। हाँ हाँ, कर लूंगी। अब ये तुम बताओ कि हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ। नहीं, वो सब मैं कर लूंगी। एक्चुअली मैं सोच रही थी तुम दोपहर में क्या कर रही हो। बोलो, क्या काम है? नहीं, रवि के लिए प्रेजेंट लेने जा रही हूँ, तो तुम चलोगी मेरे साथ? ऑब्वियसली हाँ, ये कोई पूछने वाली बात हुई? बोलो, कितने बजे पिकअप करूँ तुम्हें? 3:30 बजे रमास के ऑपोजिट। ओके, सी यू देन, बाय। किससे बात कर रही थी आप? रुचिका से। मासी से? मासी यहाँ पर क्या कर रही हैं? देवांग की ट्रांसफर हो गई है। वाओ, दैट्स ग्रेट। चलिए इसी खुशी में पैसे निकालिए। क्यों? पापा के लिए गिफ्ट लेना ना मामा। मेरे पर्स में पड़े हैं, जल्दी। थैंक्स। सुनो,
तुम क्या दे रही हो पापा को? मैं पापा को एक फाइलोफैक्स दे रही हूँ, एक मंथली प्लानर। और आप? कफलिंग्स। मामा कफलिंग्स सो बोरिंग, आजकल कोई कफलिंग्स पहनता है भला? एवरीबॉडी वेयर्स देयर स्लीव्स बटन डाउन। तो रिस्ट वॉच? मामा पापा के पास कितने रिस्ट वॉचेस हैं? शायद आप ही दी होंगी हर साल बर्थडे पे। कुछ और दीजिए ना, समथिंग दैट पापा के काम आए, जैसे मैं दे रही हूँ मंथली प्लानर। अब देखिए जब पापा ऑफिस जाएंगे और अपना मंथली प्लानर खोलेंगे तब मेरी याद करेंगे ना। तो फिर क्या दूँ, तुम ही बता। मामा आप पापा को कितने सालों से जानती हैं? 25 सालों से। और मैं पापा को कितने सालों से जानती हूँ? जब से तू पैदा हुई है। इसका मतलब आप पापा को मुझसे पहले से जानती है, राइट? तो आपको ये भी नहीं पता कि पापा की पसंद क्या है? कम ऑन मामा। अच्छा मैं आपके पर्स में से पैसे निकाल रही हूँ। रवि से मिले 25 साल। अरे क्या हुआ दीवा, तुम्हें शिकन नहीं खा? अरे मैडम ऐसे भी क्या जल्दी है, खा लेंगे खा लेंगे। कहा की तैयारी हो रही है मैडम, मजा है। You look amazing, huh? Thank you so much. यार क्या बात है यार, तुम दिन पर दिन खूबसूरत होती चली जा रही। Is it love? Maybe. Maybe not. ये तो मैं तुम्हें आराम से देखते देखते खाऊंगा। मालूम है मेरे कलीग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अच्छा? कहते हैं वो देखो जा रहा है जोरू को गुलाम घर पे लंच करने। अरे यार मेरा बस चले ना, मैं तो घर पे ही रह के ऑफिस का काम करूं। तुम मेरे सामने होती तो मैं और भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाता, इसलिए और भी अच्छा काम कर सकता हूँ। क्या बोलती हो, अपने बॉस से बात करूं घर पे रहकर काम करने वाली थ्योरी पे? कोई जरूरत नहीं। अब जल्दी करो, ऑफिस जाना है और मुझे शॉपिंग के लिए छोड़ना भी है। भाई क्या बात है, आज तो मेरे लिए क्या खरीद रही हो? वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक लिस्ट बना के दे देता हूँ उन चीजों की जो मुझे चाहिए। तुम्हारे लिए भी शॉपिंग में आसानी और मुझे भी वो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। I'm sorry disappointed sir, but shopping में आज आपके लिए नहीं, जीजू के लिए करने जा रही हूँ। यार बड़ी अजीब पत्नी, पति को छोड़ के बहनोई के लिए शॉपिंग करने चली है, क्या जमाना है यार, swear। अब ये मत कहिए कि आप ये भूल गए कि आज जीजू का बर्थडे है। Oh yes। और हमें उनके घर आज डिनर पे जाना है, तो ऑफिस के बाद शाम को आप सीधा वहीं पहुंच जाना। That is an order। Yes, your honor। अब चलें। वो धनिया के पत्ते अच्छी तरह से काटना, वो गार्निशिंग के लिए चाहिए जी। और ये पनीर क्यों बाहर पड़ा है? वो टिक्के बनाने हैं ना, तो बाद में करेंगे, अभी क्यों रखा है, खराब हो जाएगा जी। अच्छा। और वो दही टांग दिया? हाँ टंगा हुआ है। हाँ पानी अच्छी तरह से निकालना, ले आओ जी मैडम। क्या हो रहा है? ओहो बड़ी तैयारियां चल रही है। बुआ वो शाम को इनके दोस्त घर आ रहे हैं खाने पर। हाँ हाँ सब जानती हूँ, रवि का जन्मदिन मना रही हो अपना ही कुंडा करके। ये कोई तरीका है जन्मदिन मनाने का? लोगों को बुलाओ, आओ भाई खाने पे, जन्मदिन है। तुझे तो पैसे लुटाने का बहाना चाहिए। अरे तरीका तो ये है कि सुबह सुबह मंदिर लेकर जाओ अपने पति को, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दिलाओ कि नजर ना लगे, फले फूले। पर आजकल की पीढ़ी को तो ना कोई अकल है ना ही संस्कार। मैं तो तंग आ गई हूँ समझाते समझाते, पर किसी को इतनी अकल हो तब ना। नीम सब दही का पानी निकाल दिया। अच्छा ठीक है, वो अदरक और लहसुन की पेस्ट बना कर रखते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स अंदर रखते हैं। मैं जरा बाजार जाकर आती हूँ, तब तक सारी तैयारी कर दूँ। ये सामान से कुछ पसंद कर लीजिए, इंटरनेशनल ब्रांड्स है, शायद कुछ पसंद आ जाए। पता नहीं आपको क्या हो गया है, लोकन वाले की सारी दुकानें छान मारी लेकिन आपको कुछ पसंद नहीं आया। रवि को कोलोन नहीं पसंद है, रवि को टाइज नहीं पसंद है, रवि को क्या पसंद है? दीदी गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना, उसके पीछे जो सेंटिमेंट है उसे ही देखा जाता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एक से एक शर्ट है मेरे पास। हाँ दिखाइए उन्हें। ये कैसी लगेगी? बहुत अच्छी। उन्हें पसंद आई? हाँ लेकिन मैंने रवि को ऐसी शर्ट पहनते हुए नहीं देखा है, पता नहीं। एक्चुअली नहीं, रहन दीजिए आप। क्या हो गया तुम्हें दीदी?
इतना कंफ्यूज्ड आपको इसके पहले कभी नहीं देखा मैंने। I'm sure जीजू गिफ्ट को लेकर इतना इंडिसाइसिव या कंफ्यूज्ड कभी नहीं होंगे जितना कि आप हो रहे हो। क्या बात है, बुआ से कोई झड़प हुई? नहीं कुछ नहीं। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हिला हुआ क्यों है? हाँ चिका, जब से बुटीक बंद हुआ है तब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत ही है। I just don't have the confidence anymore. अच्छा, इसलिए आप मुझे शॉपिंग के लिए लेकर गए थे ताकि मैं आपके डिसीजन को सपोर्ट कर सकूं? नहीं, सही और गलत का फैसला आपको खुद करना होगा। यू विल हैव टू मेक योर ओन चॉइसेस। बुटीक आपकी वजह से फ्लॉप नहीं हुआ, फिर भी आप अगर अपने आप को ब्लेम करना चाहते हैं तो आपकी इनएफिशिएंसी को ब्लेम मत कीजिए, ब्लेम कीजिए अपने इस इनडिसाइसिवनेस को, क्योंकि आप ये फैसला नहीं कर पाए क्या आपको माँ का रोल निभाना है या अपना फुटहोल तलाश करना है। ये देखिए, ये भी देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए इसका कलर। ये याद है? हाँ, कॉलेज के दिनों में जीजू पहना करते थे ना ऐसे शर्ट्स। डोंट टेल मी इट्स कमिंग बैक इनटू फैशन। याद है मैं कितना चीखती थी आपको, आ गया आपका बॉयफ्रेंड इन हिज फेवरेट शर्ट। अच्छा ये ठीक है, ये दे दीजिए। आई जस्ट होप रवि लाइक्स इट। ऑफ कोर्स ही विल, बहुत पसंद आएगा। नहीं नहीं बट लेकिन पार्टी नहीं मिस कर सकते, आना बहुत जरूरी है। या ओके आई सी, या ओके बाय। आपके लिए। ये क्या है? देख लीजिए। वाओ सोनिया, यकीन नहीं आता कि आज की तारीख में मार्केट में ऐसी शर्टें बिकती। आपको पसंद आई? पसंद आई? अरे ये पूछने की बात नहीं है, पार्टी पर मैं यही शर्ट पहनकर जाऊंगा। हाँ तुम्हें पता है जब मैं कॉलेज में था तो ऐसी शर्टें मुझे बहुत अच्छी लगा थी। आपके वार्डरोब में सिर्फ ऐसी ही शर्ट्स होती थी। आज मैं आपके लिए शॉपिंग करने गई थी तो इस पर नजर पड़ी, सोचा ये आपके लिए परफेक्ट गिफ्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। याद है एक बार कॉलेज कैंटीन में एक ऐसी शर्ट पर कॉफी गिर गई थी? हाँ याद है, सुनीता ने गिराई थी। बहुत डोरे डाल दी थी आपको। ओफो, मैं इतनी जोर से चिल्लाया था उस पर, 2 महीने तक उसने मुझसे बात नहीं की थी। ये मेरे लिए अच्छा ही था। क्यों? बहुत आगे पीछे घूमती थी ना आपकी। वो भूल भी जाओ ना, ऑल दैट इज इन द पास्ट। अच्छा देखो 6 बज चुके हैं, तुम तैयार होना शुरू कर दो, बहुत टाइम लगाती हो तुम। ऐसा ना हो कि गेस्ट आने शुरू हो जाए। लेट मी टेक दिस विद मी नाउ। ओके